नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाई तिमिरशा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं, क्या लाए हैं, गेस कीजिए। चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अरबी के कबाब, अरबी मीन्स घुइया के कबाब। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनने वाले, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कबाब आज आपके लिए हम लेके आए हैं। और ये कबाब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो यहाँ पे आज हम आपको अरबी के कबाब बनाना बताएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले चने की दाल को भिगोकर रख दिया है। तो यहाँ पे करीब 250 ग्राम चने की दाल को हमने अच्छे से भिगोकर करीब 2 घंटे के लिए रख दिया है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो अरबी, 250 ग्राम चने की दाल, 2 इंच की अदरक, 2 हरी मिर्च, हरी धनिया बारीक कटी हुई, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 प्याज, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 इंच की दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और ऑयल। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सारे खड़े मसाले ही यूज़ करेंगे। तो हमने सारे खड़े मसाले एक साथ निकाल लिए हैं और साथ में हमने घुइया लिए है जिसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। और इस घुइया के कबाब जो है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और चने की दाल है वो हमारी लगभग भीग चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाल हमारी अच्छे से हमने पहले भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पे हम दाल को सबसे पहले पकाएंगे। तो हम यहाँ पे कढ़ाई में या कुकर में, जिसमें आपको इजी रहे पकाना आप पका सकते हैं। अगर कुकर में पकाएंगे तो करीब 3 से 4 सीटी आपको लगानी है ताकि दाल अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमने दाल अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको डाल दिया है। करीब हमने 1.5 गिलास पानी डाला है, साथ में हमने सारे खड़े मसाले एक साथ डाल देने हैं। फिर इन मसालों को डालकर हम यहाँ पे डालेंगे नमक। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम नमक डाल लिए हैं, क्योंकि नमक हमें एक ही बार में डालना है। और नमक डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे ढककर हमें पकाना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि दाल हमारी अच्छे से पक ना जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से हमारी पक चुकी है। चने की दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप भिगो के, जैसे अगर नॉर्मल भी आप दाल बनाएं तो भिगो कर दाल बनाएं, तो चने की दाल बहुत ही जल्दी से पक जाती है। तो यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसे ठंडा कर लेंगे और इसको हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और जो घुइयां हैं वो भी हमने उबाल ली थी, तो घुइयां भी काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है। अच्छे से मैश कर लेंगे घुइयां को। फिर घुइयां और चने की दाल को हम क्या करेंगे, अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप कबाब पराठे के साथ खाना चाहते तो वैसे खाइए, या ऐसे नॉर्मल खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया डाली है, लेमन डाला है, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और साथ में हम यहाँ डालेंगे हींग, साथ में हम डालेंगे धनिया, गरम मसाला। इन सबको अच्छे से डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसका एक अच्छा सा डो बन जाए और हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे टिक्की की तरह। तो यहाँ पे ये हमने क्या कहते हैं, इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे ताकि चने की दाल और घुइयां बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसके हम कबाब छोटे छोटे बनाएंगे। ये कबाब ना बहुत ही टेस्टी होते हैं क्योंकि इसमें हम प्याज का लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और ये आप लोग बनाइएगा ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जैसे ही आप खाएंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगी। तो इस कबाब को बनाना इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आपने कबाब तो हर तरीके के खाए होंगे, एक बार आप अरबी का कबाब बना कर देखें, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो इसे बनाते समय ध्यान रखें कि हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लें। फिर आप छोटी छोटी लोइयाँ लिए, इस तरीके से आप उसे थोड़ा सा राउंड कीजिए और जिस भी लकड़ी के पीड़े पे आप इस तरीके से थोड़ा सा राउंड राउंड चलाइए ताकि उसका कबाब का बढ़िया सा शेप आ जाए। तो यहाँ पे हमने कबाब बना लिए हैं कुछ, अब इसे हम सेक कर बताते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप नॉनस्टिक पैन में या आप लोहे के आयरन के तावे में आप सेकना चाहते हैं तो सेक सकते हैं। तो जिस पे भी आप कीजिए, इसे मीडियम आंच पर आपको सेकना है। अच्छे से मैंने तेल पहले से लगा लिया है। फिर यहाँ पे मैंने कबाब एक बार में करीब 6 से 7 कबाब डाले हैं और इसे हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर मीडियम आंच पर एक तरफ तक ही भूनने देंगे, जब तक कि एक तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये अच्छे से भून ना जाए। जब हल्का सा ये दोनों एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे आप दूसरी तरफ के से पलटेंगे। आपको इसी तरीके से 3 से 4 बार करना है और कबाब जितना आप धीमी आंच में पकाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनता है, क्योंकि अंदर तक अगर कबाब अच्छे से पक गया तो खाने में फिर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसे हम धीमी आंच में थोड़ा थोड़ा तेल लगकर डाल के अच्छे से पका लेंगे। जो कबाब है वो हमारे काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, फिर इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। साथ में हम अनियन अगर यू खाना चाहते हैं तो अनियन की स्प्रिंग कट कर लीजिए। साथ में हम कबाब के साथ चटनी सर्व करेंगे जिसे हमने बनाया है। हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, नींबू, इन सबको अच्छे से पीस लिया है। साथ में थोड़ा सा हमने दही डाला है, थोड़ा सा नमक, और कबाब के साथ सर्व करने वाली चटनी वो हमारी तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कबाब के साथ और इसे हम सर्व कर ले रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अरबी के कबाब आपको कैसे लगे। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.